हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज विकास लाइफ केयर पे चर्चा करूंगा। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, विकास लाइफ केयर लिमिटेड जिसका कि मार्केट कैप 706 करोड़ का हो गया है, करेंट प्राइस 4.85 रुपया, आज इसका शेयर प्राइस बढ़ा है 8.99% के हिसाब से, 52 वीक का हाई लो 7.05 रुपया, 2.66 रुपया, बुक वैल्यू 2.45 रुपया, अपने बुक वैल्यू से लगभग दो गुना पे ट्रेड कर रही है, आरओसी आरओई माइनस में है, वन ईयर का जैसा कि चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से धीरे धीरे या तो डाउन में ही जा रहा है ₹6.45 के बाद से, यानी कि 11 सितंबर 2023 के बाद से, लेकिन ज़्यादा डाउन में जाता है फिर थोड़ा सा अप पकड़ता है, फिर से डाउन, फिर से थोड़ा सा अप, इस तरीके से इसका चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो फिर से हो सकता है कि ये ₹5 के लेवल को क्रॉस कर सके, लेकिन इसको 100% नहीं बोला जा सकता है क्योंकि इसमें ऑपरेटरों का ज़्यादा ही गेम हो रहा होगा। इस कंपनी में प्रोज 3 है और कॉन्स भी 3 है। प्रोज जैसा कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, दूसरा है डेब्टर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 176 दिन से 130 दिन हो गया है, और कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 178 यानी कि 178 दिन से 101 दिन हो गया है, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये कॉन्स में है, और प्रमोटर होल्डिंग इज लो 11.40% है, और प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर्स -42.1%। क्वार्टरली रिजल्ट जिसमें कि नेट प्रॉफिट 7.65 करोड़ का किया और जिसके वजह से अर्निंग पर शेयर 5 पैसा है, ये स्क्रीनर के वेबसाइट पे है। लास्ट 12 मंथ का सेल्स 467 करोड़ का, एक्सपेंस 456 करोड़, ओवरऑल इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन टैक्स ये सब काटने के बाद में नेट प्रॉफिट माइनस में 1 करोड़ का है, जिसके वजह से ईपीएस माइनस में 2 पैसा है। बैलेंस शीट जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पर, शेयर कैपिटल सितंबर 2023 के अनुसार 144 करोड़ का है, रिजर्व 208 करोड़ का है, ब्रोइंग 26 करोड़ का, अदर लाइबिलिटीज 79 करोड़ का, तो इसको डेब्ट फ्री कंपनी ही माना जाएगा जैसा कि ऊपर में दिया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ा है मार्च 2023 से अब तक में 12 करोड़ का, जिसके वजह से 89 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया है, टोटल एसेट 457 करोड़ का हो चुका है। कैश फ्लो जिसमें कि नेट कैश फ्लो 2 करोड़ का है प्लस में, लेकिन 2 करोड़ नहीं, ये 3 करोड़ होना चाहिए,
ऐसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। जैसा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में 11.40% है, एफआईज के पास में 0.02% और पब्लिक के पास में 88.59% यानी कि 88.59% है पब्लिक के पास में। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो कितने आदमियों के पास में या कितने इन्वेस्टर के पास में इसका शेयर है, 5,44,435 सितंबर 2023 रिजल्ट के अनुसार। इस स्टॉक में करंट में न्यूज कुछ भी नहीं है,